गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन द ग्लैम गर्ल रॉस। तो आप लोगों ने तो मेरा टाइटल देख ही लिया होगा कि मैं बस एक प्रोडक्ट से मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ, ना फाउंडेशन ना कंसीलर ना ब्राउज़र, और बस एक चीज़ से मैं मेकअप लुक कैसे क्रिएट करूँगी। तो आप लोग एक्साइटेड हो तो चलिए वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस को फेस वॉश से अच्छे से क्लीन कर लेंगे, देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे। गाइस आप जो भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ जॉनसन्स बेबी का क्रीम लूँगी एज ए मॉइस्चराइज़र, ये बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप बिगिनर हैं या फिर टीनेजर में हैं तो आपको मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहते हैं या आपको कोई मॉइस्चराइज़र सजेस्ट नहीं होता, सूट नहीं करता, तो आप बेबी जॉनसन्स बेबी का ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। बेबी क्रीम एज ए मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है इसमें, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं होता है, ये बच्चों को यूज़ किया जाता है, तो बच्चों के लिए जो भी चीज़ बनाया जाता है बहुत ही ध्यान में रख कर किया जाता है। तो गाइस आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेकअप करने से पहले हम अपने लिप को भी मॉइस्चराइज करेंगे अपने लिप बाम से। नाउ नेक्स्ट अब हम अप्लाई करेंगे अपने फेस पे प्राइमर। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 925 का प्राइमर। प्राइमर हमारे स्किन पे एक बहुत ही अच्छा बेस बना देता है। हम प्राइमर को अप्लाई करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे ये फेस पर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। फाइनली गाइज वो टाइम आ गया है उस शख्स से मिलने का जिससे हम मेकअप लुक ये क्रिएट कर रहे हैं, जिससे आपने मेरे टाइटल में पढ़ा है कि बस एक चीज़ से ही हम लोग मेकअप लुक क्रिएट करेंगे। ये है ओलिविया का पेन केक। ये अलग अलग स्किन शेड, स्किन नंबर, स्किन कलर से आता है। तो मेरा स्किन कलर है डस्ट आलमंड, और हम लोग इसके स्पंज को पानी में पूरा भिंगो देंगे, अपने फेस पर अप्लाई करेंगे बहुत ही अच्छे से। यस गाइस अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो पेन केक तो आप लोग को ना फाउंडेशन की नीड होगी ना कंसीलर की नीड होगी, और इन दोनों को तो आपको नीड होनी ही बिल्कुल ही नहीं है। जबकि मैं यहाँ एक प्रोडक्ट से मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ तो मैंने बस पेन केक यूज़ करा है, और तो हमें सीरियसली और प्रोडक्ट्स की कोई भी नीड नहीं होगी गाइस। इसे हमें अपने फेस और गर्दन पे पूरा बराबर हिस्से में लगाना है ताकि दोनों सेम सेम लगे। उसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सूख जाए और सेट हो जाए। नेक्स्ट हमें पाउडर लगाना है। आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ फिर जॉनसन्स बेबी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मैं जॉनसन्स बेबी का ही पाउडर यूज़ करती हूँ, जबकि मैंने आपको बताया है कि ये बच्चों के लिए बनाया जाता है, तो बच्चों के लिए कितनी ध्यान में रखकर चीज़ों को बनाया जाता है, तो थोड़ा हम बड़े भी क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लें। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ब्लशर हल्के से, बेबी पिंक ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। देन मैं अप्लाई करूँगी हाइलाइटर। जबकि गाइस आप लोग सोच रहे होगी मैं ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रही हूँ, इतनी कम मेकअप यूज़ कर रही हूँ, तो गाइस हाँ, जब क्योंकि हम लोग डे मेकअप लुक कर रहे हैं, राखी का मेकअप कर रहे हैं, तो राखी का त्यौहार सुबह में ही सेलिब्रेट किया जाता है, तो डे में हमें लाइट मेकअप करनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोग के लिए लाइट मेकअप लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही कम प्रोडक्ट में हो जाएगा। अब हम अप्लाई करेंगे आई शेडो अपने ड्रेसिंग मैचिंग के हिसाब से। गाइज आप जब भी आई शेडो यूज़ करें कोई भी ड्रेस हो तो सबसे पहले आप लाइट आई शेडो ले, फिर थोड़ा सा डार्क आई शेडो ले, जैसे मैं ले रही हूँ। मैंने लाइट यूज़ कर लिया है, अब मैं थोड़ा डार्क यूज़ करूँगी। गाइज आप जो काम आपका ब्रश नहीं कर पाता ना, वो काम आपके हाथ ही कर देते हैं। मुझे तो हाथों से ही कम्फर्टेबल लगता है तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। और नाउ नेक्स्ट हम थोड़ा आईब्रो के पास हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट आईलाइनर अप्लाई करेंगे। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट आईलाइनर है। ये गाइस ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, इसका मतलब मैक्सिमम 10 डेज हो गया ख़त्म हुए हुए, लेकिन मैं फिर भी इसे अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इसका ब्रश बहुत ही अच्छा होता है गाइस, ये बहुत ही अच्छे से लग जाता है।
हम यहाँ विंग्स वाले आईलाइनर अप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे मस्करा। मैंने ये लैक्मी 95 का मस्करा लिया है और आईलाइनर मैंने ब्लू हेवन का लिया था। गाइस जो मुझे कम सेकेंड स्टेप पे करना चाहिए था वो मैं बीच में कर रही हूँ। ये है आईब्रो पेंसिल, इससे हम अपने आईब्रो को सेट देंगे। इस पेंसिल को बहुत ही हल्की हल्की हाथों से अप्लाई किया जाता है गाइस, बिकॉज आपका आईब्रो पे डार्क हो जाएगा तो बहुत ही गंदा लगेगा। तो सबसे पहले आप पीछे से स्टार्ट करना हल्की हल्की हाथों से, देन आगे थोड़ा थोड़ा करना, देन हम अपने आईब्रो को सेट कर लेंगे ब्रश से। मेकअप में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होता है वो है लिपस्टिक। ये गाइस मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत ही डार्क लिपस्टिक है और जबकि ये मेरे ड्रेस का मैचिंग है तो मुझे इसे यूज़ करना पड़ा। ये पर्पल का डार्क शेड है, मैं सबका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। देन ये आईब्रो पेंसिल से ही मैं लिप लाइनिंग कर रही हूँ, जो कि हमारे लिप को एक अलग ही ये शेड देगा। यू कैन सी, वाओ गाइज। अगर आप चाहो तो आप काजल भी यूज़ कर सकते हो, काजल लगा सकते हो। मैं यहाँ लगा रही हूँ, बहुत ही हल्का हल्का काजल लगा रही हूँ। अगर आप अपने लिप को ग्लॉसी लुक देना चाहते हैं तो लिक्विड बॉम यूज़ कर लीजिए। अब जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है मेकअप फिक्सर। ये हमारे मेकअप को बहुत ही अच्छे से सेट कर देगा, सेट करके रखेगा, थोड़ा शाइनी बना देगा। इसे अप्लाई करके हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ये सूख जाए और सेट हो जाए। नेक्स्ट गाइज हम अपनी ज्वेलरी पहनेंगे और अपना हेयर स्टाइल बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 2-3 ही ज्वेलरी लिया है, वो भी बहुत सिंपल लिया है, आप देख सकते हैं। होप यू गाइज लाइक दिस माई वीडियो, लाइक माई मेकअप आइडिया, कि मैंने कुछ मेकअप से इतना अच्छा मेकअप लुक क्रिएट किया जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। सो गाइज आप लोग ये ट्राई ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि क्या है कुछ और पहनने के लिए जो कि मैं पहन लूँ। नाउ इट्स टाइम टू बाय बाय।